कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खास तेल बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे खासतौर से लोकल मिलों में किस तरह से कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है, क्या कीमतें चल रही हैं सोया पाम वनस्पति में, उत्तर प्रदेश में टैंकर्स में किस तरह से आप कारोबार देख सकते हैं, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजार में लोकल मिलों के बारे में बात करते हैं, तो गिरावट के साथ आज कारोबार देखा जा रहा है। सरसों, वनस्पति और पामोलिन, इन सभी में ही गिरावट देखी गई है। सोया कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार बाजारों में हुआ है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो मयूर वनस्पति में 1320 रुपए का रेट चल रहा है 15 लीटर में। पामोलिन 15 लीटर कीमतें 1460 है, पामोलिन में 1 लीटर का रेट 97 रुपए चल रहा है। सोया ऑयल 15 लीटर कीमतें 1760 चल रही है, 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 116 रुपए देखा जा रहा है। फॉर्चून में 15 लीटर में 1950 रुपए पर आप मार्केट में कारोबार देख कर चल सकते हैं। फॉर्च्यून में 1 लीटर कीमतें 120 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में भी बाजारों में गिरावट आई है। ब्रांडेड कंपनियां जो हैं इनमें भी बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में 1 लीटर का रेट 118 है, पामोलिन में 1 लीटर कीमतें 97 रुपए देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रांड में 92 रुपए का रेट चल रहा है, सोया ऑयल कीमतें 116 चल रही है, सोया डीओ का रेट 114 रुपए चल रहा है। मस्टर्ड में 120 रुपए का रेट आप मार्केट में देख कर चल सकते हैं। एक्सपोर्ट कीमतें 118 है, पामोलिन का रेट बाजारों में 98 रुपए देखा जा रहा है। तो विदेशी बाजारों में गिरावट का असर आप घरेलू बाजारों पर देख कर चल सकते हैं, और घरेलू बाजार में भी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, और आने वाली जो फसल है, जो सरसों की खासतौर से फसल आने वाली है, उसके असर की वजह से पूरे तेल तिलहन बाजारों पर इफेक्ट पड़ रहा है और बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल के लिए आज के लिए ट्रेंड बेहद निगेटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।